निशिकांत दुबे ने संसद में एक रिपोर्ट रखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट छपा जो बताया कि चाइना कैसे प्रोपगंडा फैलाती है दुनिया में और भारत के कौन से लोग उसकी इस प्रोपगंडा में शामिल हैं या मदद कर रहे हैं या चाइना के गोद में बैठे हैं। उसी समय अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बात बहुत डिटेल में बताई। आज इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं उसके पहले की एक बात बताऊं। राहुल गांधी 135 दिन के बाद जब संसद में जाने वाले थे, उनका सुप्रीम कोर्ट से उनके सपोर्ट में ऑर्डर आ गया, तो कांग्रेसियों ने पूरे एक माहौल बनाया पूरे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होके जीत के आ गए हैं। इस तरह से मिठाइयां बांटी, चारों तरफ सोशल मीडिया में शेयर आ गया ऐसे करके, या संसद में शेयर आने वाला है। लेकिन बीजेपी ने पहले से तैयारी करके रखा था कि राहुल गांधी को कैसे पप्पू साबित करना है। ये बात इसलिए आप सोचिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक ही साथ संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दे को किस तरह से बीजेपी ने उठाया। और ये जब मुद्दा उठाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपी हुई है, तो ये भी बोला कि पहले जितने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपे हैं वो भारत विरोधी रहा है और बीजेपी विरोधी रहा है। तभी जितने भी विपक्षी दल इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को लेकर संसद से लेकर बाहर बीजेपी पे हमला करती रही है, और वो मानती है कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर लेख छप गया तो वो मतलब उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अब उसी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पर बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को। अब ये पूरा मुद्दा है क्या, मैं आपको बताता हूं। पूरा मुद्दा ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा कि चाइना दुनिया में अपने प्रोपगंडा चलाने के लिए कुछ लोगों को पैसा देती है और वो लोग नेता हैं देश में, राजनीतिक दल हैं और मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस प्रोपगंडा को चलाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। उसके तहत वो ब्राज़ील में मीडिया को पैसा देती है और अफ्रीका जैसे देश में एक राजनीतिक दल है उनको फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके मुद्दे को चलाए। अब ये पैसा चाइना का कहां से कैसे आता है, ये चेन कैसे बनता है। चाइना अपनी पैसा एक यूएस में बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिसका नाम है नोएल रॉय सिंघम, जो कि हमारे बॉलीवुड के मूवी का सिंघम नहीं है, वो सिंघम की कंपनी है जिसके माध्यम से वो पैसा इंडिया में फ्लोट करता है। अब ये सिंघम है कौन? नोएल रॉय सिंघम पहले ऐसा नहीं था, पहले वो संघाई में रहता था लेकिन अमेरिका के नीतियों को प्रमोट करता था। था तो पहले वामपंथी विचारधारा का, लेकिन यह एक ट्रांस अटलांटिक एक्टिविस्ट जो कि नो कोल्ड वॉर और अमेरिका के युद्ध विरुद्ध नीतियों का समर्थक था। बाद में 2002 में इसी कोल्ड पिंक की संस्थापक जूडी इवांस से शादी किया। अब इसके जो बाद में ये जब चाइना में गया, संघाई में रहता है, तो वहाँ पे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इसकी बैठक हुई और वहाँ पे ये चाइना का प्रोपगंडा पूरे वर्ल्ड में फैलाने लगा। और फैलाना कैसे लगा, इसकी चार कंपनी बनाया उसने, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए, जिसको चाइना ने फंडिंग किया 27.51, जीएसपीएन यूएसए 26.98 और द ट्रांस कॉन्टिनेंटल लिमिटेड
49.3 crores और सेंट्रो पॉपुलेशन डिमास डेमिडास। इन चार कंपनियों के माध्यम से चाइना से पैसे आते थे। अब इसका ये इंडिया में कैसे फ्लोट करता था, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में भी राजनीतिक दल को पैसे पहुंचाते थे और ये ब्राज़ील में भी वहाँ के मीडिया को पैसा देते थे अपनी प्रोपगंडा चलाने के लिए। 2018 में न्यूज़ क्लिक नाम से एक मीडिया वेबसाइट बनाया गया। आप सोचते रहिए, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को दोस्तों। 2018 में 11 जनवरी 2018 में न्यूज़ क्लिक बनाया गया और 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में बहुत बड़ी घटना घटी, नक्सल हमले हुए, जिसके मेन अभियुक्त हैं गौतम नौलखा। अब ये गौतम नौलखा का नाम मैंने क्यों रखा, ये व्यक्ति उस न्यूज क्लिक का शेयर होल्डर है। न्यूज क्लिक के डायरेक्टर जो प्रवीर पुरु कायस्था हैं, उनके साथ ये पूरा न्यूज क्लिक चलाते हैं। और दोस्तों, पैसा कैसे आया? दो तरीके से पैसा आया, एक एफडीआई के थ्रू और दूसरा उन्होंने एक्सपोर्ट कुछ, उन्होंने ये बताया कि मैंने एक्सपोर्ट किए, उसके एवज में पैसे आए। एफडीआई के थ्रू 9 करोड़ के कुछ पैसे आए और बाकी पैसे 29 करोड़ के उसके हिसाब से आए, मैंने पूरा मिला के 38 करोड़ रुपया न्यूज क्लिक में पैसे आए। अब ये दोस्तों, आप सोचिए कि दो ये आपको कंपनी बनी थी 2018 में जनवरी में, 3 महीने के अंदर इसमें 9 करोड़ रुपया आ जाता है। अब इसमें एक और पेच है कि इसका शेयर का, एक शेयर का कीमत था 10 रुपया, लेकिन न्यूज जो कंपनी थी उसके शेयर को जब ट्रांसफर किया गया तो उसको आंका गया पैसा देने के लिए 11,500 कुछ रुपये। आप सोचिए कि पैसा को कैसे न्यूज क्लिक में ट्रांसफर किया गया, जिस शेयर की कीमत थी 10 रुपये उसको कितना बढ़ाकर और उसको पैसा पहुंचाया गया। इसके आपने अभिषार शर्मा का भी नाम सुना होगा। अभिषार शर्मा ने एक ट्वीट में, जब 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के 10 ठिकानों पर 5 स्टेट में छापे मारे, कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्षी दलों ने इस पे हो हल्ला मचाया, ट्वीट भी किए, रिट्वीट भी किए और सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग कराए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। उसी समय अभिषार शर्मा ने अपना एक ट्वीट फोटो के साथ डाला कि मैं न्यूज क्लिक के ऑफिस में हूँ, यहाँ पे रेड पड़ रहे हैं, देखिए डेमोक्रेसी को कैसे कुचला जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बात बोलता है उसको कैसे दबाया जा रहा है। आप न्यूज क्लिक के वेबसाइट पे जाइए, अभी जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं आपको एक भी नहीं मिलेगा। वही मिलेगा भारत में गरीबी कहाँ है, कहाँ पे लोग को खाने नहीं मिल रहा है, यही सब घटनाएं यही सब वेबसाइट के फ्रंट पेज पे है। आज का ये जो कोई भी मुद्दा ऐसा बता दीजिए जो बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, उसके कहीं भी फ्रंट पेज पे आपको नजर नहीं आएगा। तो वो एक प्रोपगंडा चलाते हैं। जब ईडी ने रिपोर्ट ये डाला अभी उसके छापे करने के बाद, तो वही सारी बातें जो न्यूयॉर्क टाइम्स में उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में छपा है, वो सारी बातें हैं कि कैसे न्यूज क्लिक के माध्यम से कुछ मीडिया वाले को पैसे आते हैं और वो उनका चाइना का प्रोपगंडा चला रहे हैं। उसमें वो भी बताया जाता है कैसे चाइना जो अपने कंट्री में मुसलमान लोगों के साथ, मुस्लिम जो व्यक्ति हैं या लोग हैं उनके साथ किस तरह से उनका मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, उसको कैसे डिफेंस किया जा सकता है। तो न्यूज क्लिक पे जो ईडी का जो छापे पड़े थे, उसमें जो रिपोर्ट छपे, वो
बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आया। न्यूज क्लिक में कुछ पत्रकारों का नाम आया जिसमें से स्वाति चतुर्वेदी हैं, रोहिणी सिंह हैं और CPIM के IT सेल के लोग हैं, उनका नाम आया और ये भी बताया गया कि किनको कितना पैसा दिया गया। अब इस मामले की जांच जो ED ऑलरेडी कर रही है, चार्जशीट दाखिल करेगी तो बाकी चीज़ें आएंगी। इसमें तो बहुत से जैसे कि मीडिया रिपोर्ट है या सूत्रों से जो अखबार में आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम हैं जो YouTube पे अपना चैनल चलाते हैं और गवर्नमेंट और इंडिया के खिलाफ ये प्रोपगंडा फैलाते हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं जो न्यूज़ चैनल से पहले बाहर आए और वो अपने अपने तरीके से YouTube चैनल बनाकर और अपने अपने तरीके से न्यूज बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट न्यूज चला रहा हूँ, इसलिए हमें निकाला गया, और इस तरह की खबरें जो भारत विरोधी हैं उसको वो चलाते हैं, उसको फैलाते हैं। दोस्तों अब इसमें आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरी तरह से जब बातें बाहर आएंगी तब इसका पता चलेगा कि ये मामला कितना बड़ा है। अभी के दृष्टांत में ये लगता है कि देश का सबसे बड़ा देशद्रोह का मामला है। जो पत्रकार, जो राजनीतिक दल चीन की गोद में बैठकर और भारत में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं कि भारत कैसे पीछे चला जाए या भारत में कैसे गृह युद्ध हो जाए, भारत कैसे आगे न बढ़े, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का ये धर्म बनता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के तरफ या भारत की संप्रदाय के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में ऐसे ही किसी नए